तो बेहद ही ओजस्वी मुखर वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं अभी आप देख रहे थे, और पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, अटल जी की किस तरीके के अनुभव उनके रहे हैं अटल जी के साथ, और साथ ही उनकी सेहत पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ एम्स से जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीपी सिंह साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, और साथ हैं हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव भी। लेकिन सबसे पहले आपको एम्स ही लेकर चलते हैं क्योंकि हर किसी की निगाहें इस समय एम्स पर ही टिकी हैं। अश्विनी, क्या आपके पास, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है एक तो उनको किडनी में भी तकलीफ हो रही है और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है उन्हें, क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, जो बुलेटिन कल एम्स की तरफ से जारी किया गया उसमें यह कहा गया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनको, और अभी तक वही जानकारी है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर है। कल रात जब ये मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसके बाद से फिलहाल कोई नेता या मंत्री अभी अटल जी से मिलने के लिए नहीं आया हुआ है। उम्मीद इंतज़ार किया जा रहा है, जो अगला मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसके बाद स्थिति क्या है उनकी पता चल पाएगा। आज वो रुकेंगे यहाँ पर या आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, इस बारे में भी उसी मेडिकल बुलेटिन के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल लोग ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, जो आम जनता है, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं उनके जिम्मेदार भी हैं, वो भी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अटल जी की तबीयत कैसी है। आप